तो लुक एट दिस गाइस, कमेंट करके बताओ ये गाड़ी का कौन सा नाम है। तो गाइस एक बार फिर से आपको जैसे पीछे से दिखा रहा हूँ और भाई सामने से जब दिखाऊंगा ना गाइस, आप भी बोलोगे यार वाह यार भाई क्या गाड़ी बनाई है आपने, भाई देखो यार एकदम। भाई कमेंट करके बताओ अगर अभी भी नाम पहचान नहीं आया तो गाइस इस गाड़ी का नाम है भाई मस्टैंग जीटी। और मस्टैंग जीटी कार जो है फाइनली बन के रेडी हो चुकी है क्या यार, फाइनली गेम में ऐड भी हो चुकी है। और भाई लुक देखो और रोड प्रेजेंट देखो यार इसका कितना गजब का है, बहुत ही ज़्यादा मुझे तो ऑसम लगी ये कार और चलाने में भी जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। भाई कार जो है बहुत ही ज़्यादा इसी चौड़ी चौड़ी सी लग रही है और पता है एकदम ऐसे ना भाई एथलेट मारो कि भाई कि रुकती नहीं भाई गाड़ी, देखो ऐसी जैसे जब तक ब्रेक नहीं मारो तब तक जो है ये रुकती नहीं। बाकी गाइस महंगी गाड़ी है और ऊपर से यार ग्राउंड क्लियरेंस देखो इसका, ये क्या है भाई, क्या दे दिया भाई गेमिंग भाई क्या दे दिया। तो भाई रियल में भी ऐसी होती है तो इसको तो ऐसी रखना पड़ता है, बट गाइस देखो क्या खतरनाक लग रही है। और गाइस जो है अब इसमें जो अपने नॉर्मल टायर अगर से लगाते हैं ना भाई, तो गाइस वो टायर तो यार मेरे ख्याल से लगेंगे ही नहीं। ये देखो भाई कितनी खतरनाक तरीके से नहीं टायर हो रहे, तो भाई क्या ही कर सकते हैं। और भाई गाड़ी का लुक मैंने चेंज कर दिया है आपके भाई ने, देखो भाई क्या ही का लुक बना दिया। और भाई जो है इसको तो हम जो है अच्छे से अभी तो कुछ नहीं करने वाला मैं, तो इस बार इसको जो है नॉर्मल लुक में ला लेता हूँ। और गाइस देखो नॉर्मल लुक में आ गई है ना, तो गाइस जो है इसको लेके चलते हैं अपन सबसे पहले अपने मंदिर में और भाई इसकी जो है पूजा वूजा करवाते हैं। बाकी गाइस जो है इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ इंटीरियर की, भाई साइड लुक आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। और भाई जो है इसका इस साइड से लुक इस साइड का इस साइड से, और भाई ऊपर से कुछ ऐसा इसमें जो है अपनी सनरूफ वगैरह कुछ नहीं आती है ना, सनरूफ से बाहर निकलने की सोचना नहीं क्योंकि इसमें सनरूफ तो आती ही नहीं। और भाई जो है आगे के साइड के मिरर देख सकते हो, भाई इंटीरियर देखो कितना गजब का लग्जरी कार है भाई। गैस 1 करोड़ की कार है तो भाई इंटीरियर वगैरह तो अच्छा तगड़ा रहेगा, पीछे में भी 2 लोग बैठ सकते हैं बट गैस वहाँ पे बैठना मुश्किल है। और गैस इसमें जो है गेट, आपको एक चीज़ बता दूँ इसमें जो इतनी लंबी गाड़ी है गैस फिर भी जो है 2 ही गेट रहते हैं। रुका एक मिनट में आपको जो है रिवर्स करके अच्छे से कैमरा एंगल मोड़ लेता हूँ। हाँ तो भाई अच्छे से एंगल मोड़ चुका है। और भाई देखो तो गैस कैसी लग रही बताना, ठीक है। तो भाई ये आ गई अपनी मस्टैंग जीटी भाई साहब, क्या ही खतरनाक लगती है। और भाई देखो क्या ड्रिफ्टिंग करती है भाई, इससे जो है हम ड्रिफ्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। भाई देखो इतनी लंबी गाड़ी है भाई, इतनी लंबी गाड़ी है। और इसमें जो है अपन सिर्फ भाई 2 ही लोग यानी कि 2 ही गेट दिए गए हैं 2 ही लोगों के लिए, बाकी जो है 2 लोग पीछे और बैठ सकते हैं, लेकिन मुश्किल है वहाँ बैठना क्योंकि यार जाते हैं आगे की सीट से जाते हैं वहाँ पर, लेकिन भाई कैसे जाएंगे है ना। तो गाइस गेम में और भाई देखो क्या खतरनाक तरीके से ड्रिफ्टिंग मारती है भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से ड्रिफ्ट कर रही है। और जो है भाई इसका अगर से मैंने टॉर्क बढ़ा दिया ना फिर तो यार कतई बुरे तरीके से मज़ा आने वाला है ना। तो भाई इसका जो टॉर्क है भाई ने बहुत ज़्यादा कम रखा है भाई, 500 रखा है सिर्फ। और जो है टॉर्क बढ़ा रहे तो गाइस ब्रेक को भी जो है अपन भाई ब्रेक जो भाई ने जो 3000 रखा था मैं जो है पूरा फुल ही कर देता हूँ, ठीक है। तो 50 ठीक है हो गया पूरा फुल। और गैस जो है कैमरा एंगल ठीक कर लेते हैं फट अपना पहले ही वाला ही। और गैस अब देखना यार, तो भाई ये जो गाड़ी है भाई देखो अब ये गाड़ी ने स्पीड बना ली है ना। और भाई साहब भाई क्या ही खतरनाक तरीके से ड्रिफ्ट मारती है यार, और भाई बहुत खतरनाक तरीके की ड्रिफ्टिंग है इसकी। और इसको लेके चलते गए अपन अपने कहीं जगह जगह पे बोले तो मंदिर लेके चला जाएगा इसको है ना। तो इसको लेके चलते हैं मंदिर इसकी पूजा करवाने के लिए, क्योंकि नई नई गाड़ी है और भाई नई गाड़ी के साथ में कुछ भी हो सकता है क्योंकि भाई एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, एक चीज़ भाई आपको जो बताना भूलेगा इसमें जो है गाइस डैमेज वाला सिस्टम दिया गया है। जैसे आपने रेंज रोवर अभी आप चला रहे होगे अपने गेम में रेंज रोवर, तो आपको भी डैमेज करने में मज़ा भी आ रहा होगा है ना। तो भाई वही वाला सिस्टम इसमें भी दिया गया है ना, इसमें डैमेज आप कर सकते हो अपनी गाड़ी को, ठीक है। तो मैंने तो अभी तक भाई देख सकते हो 1 भी डैमेज नहीं हुआ है क्योंकि मैंने कहीं अपनी गाड़ी को ठोका ही नहीं है। और गाइस जो है गाड़ी यार ऐसा लगता है अपने आप भग रही है भाई, ऐसा लग रहा है भाई कि अपने आप ही भग रही है, मुझे एक्सीलरेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मतलब कि गाइस इसकी जो स्पीड हम रखते हैं ना उस स्पीड से कम हो रही नहीं है, यानी कि बहुत टाइम बाद जो है इसकी स्पीड कम होती है, लिमिटेड होती है। बाकी यार इसकी जो स्पीड है गाइस वो बनी रहती है, फार्म हाउस देख सकते हो फार्म हाउस का हाल कुछ ऐसा है। और गैस मैं जो है काफ़ी दिनों से जो है इधर आया नहीं हूँ यार, तो देखते हैं क्या हाल हुआ है अपना स्कूल का अपना मंदिर का है ना। कुछ कुछ चेंज भी होता रहता है, कभी कुछ चेंज हो जाता है इससे जो है कुछ बोल नहीं सकते, चेंज भी हुआ होगा तो मुझे तो यार रास्ता भी जो है अब भाई भूले भूले जैसे लग रहा है कि मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ कहीं है ना, क्योंकि बिल तो दिख गई मुझे लेकिन गए रास्ता मुझे भूले भूले जैसे लग रहा है।
देखते हैं क्या होता है। और स्कूल तो भाई क्या ही बताओ गैस, मुझे लग रहा है भाई पक्का मैं रास्ता भूल गया भाई। तो गैस जो है रास्ता मैं भूल गया वो पक्का ऐसा लग रहा है। और जो है स्कूल आंसू वगैरह जो है हमको तो दिख नहीं रहा यार, है ना। तो भाई स्कूल वगैरह तो दिख नहीं रहा है तो क्या ही बोल सकते हैं। बाकी जो है पेट्रोल का मैं तो भाई मैं सोच रहा हूँ यार पेट्रोल पंप भी है सामने में तो मैं पेट्रोल ही भरवा लेता हूँ। मैं जो है गलत रास्ते से आया था, है ना, तो पेट्रोल ही भरवा लेते हैं कुछ ना सही पेट्रोल ही, और मंदिर भी लेके चल जाएंगे हम। लेकिन जो है पहले सबसे पहले पेट्रोल भरवाई जाए। भाई साहब क्या स्पीड दी गाइस, कंट्रोल ही नहीं हुई भाई। हार भाई साहब डैमेज पड़ गया गाइस, नई फ्रेश गाड़ी को जो है खतरनाक वाला डैमेज पड़ चुका है। और भाई देखो भाई गाइस इसकी जो स्पीड है ना यार बनी रहती है भाई। तो भाई जो है नई फ्रेश गाड़ी और खतरनाक सा डैमेज, मुझे भी यार डैमेज देख के अच्छा नहीं लग रहा है गाड़ी का। भाई गाड़ी को रिपेयर करवाते हैं तो गाइस गाड़ी को मैं यहीं रिपेयर कर लेता हूँ क्योंकि यार मुझे जो है एक भी अच्छा नहीं लगा डैमेज। और भाई गाड़ी रिपेयर हो चुकी है। और गाइस जो है दरअसल में हुआ यूँ कि भाई मुझे भी समझ नहीं आया, और गाड़ी की जो स्पीड है ना भाई ऐसी बढ़ते रहती है भाई, कंट्रोल नहीं रहती है। यानी कि कहना चाहिए तो कैसे जैसे अपने पास में उम्मीद रहती है ना गाड़ी की जो है स्पीड अपने आप कम होती जाएगी कम होती जाएगी, हमने एक्सीलेटर से हाथ उठा दिया है तो बट गाइस इसकी जो है ऐसी स्पीड कम ही नहीं होती तो क्या ही कर सकते हैं ना। और जो है देखो भाई मैं कितनी स्पीड में जो है भाई कितनी, यानी गाइस इसका जो टॉर्क है ना वो उन्होंने उतना कम रखा है फिर भी गाइस इसकी जो स्पीड है ना बनी रहती है यार, यानी कि इतनी में से भगती रहती है रुकती नहीं है। यानी कि कोई गाड़ी कहती ना मुझे बस भगने दो भगने दो भगने दो उस टाइप से भाई, पेट्रोल तो ये भरवाने नहीं दे रही है तो अच्छे से लग ही नहीं रही है। तो गाइस जो है मैंने फिर ठोक दिया इसको भाई, मेरा दिमाग खराब हुआ था मैंने फिर ठोक दिया। बाकी जो आगे से जो है उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, है ना। तो भाई जो है पेट्रोल डीजल भरा के लगभग हो चुका है तो निकलते हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे ठोकते पीटते पेट्रोल पंप पे। यार दिमाग ख़राब हो गया इसलिए जो ठोकते पीटते जा रहा हूँ मैं। तो भाई जो है एक बार इसका खतरनाक वाला करेंगे कि क्या बोलती पब्लिक, तो इसको जो है एक बार खतरनाक तरीके से चेक करते हैं, है ना। तो मैं उसके लिए एक चीज़ और करना चाहूँगा गाइस, इसकी जो स्पीड है ना उसको फुल कर देते हैं। तो भाई 400 अपनी स्पीड रहती है तो भाई मैं जो है 500 दबा के 400 ऑटोमेटिक आ जाएगा, 400 आ चुका है गाइस। और जो है टॉर्क अपन ने मिनिमम 500 जो है सेट करके रखा है तो ये जो है ऐसी भगते रहेगी। और गाइस जो है ये हो गए दौड़ने के स्टार्ट, और भाई देख सकते हो गाइस यहाँ ठोक दे भाई, यहाँ नहीं ठोकना है गाइस इसकी जो है सबसे पहले हमको स्पीड बनानी है अच्छी खासी, है ना। स्पीड बना देंगे ना तो भाई कहीं पे भी ठोक सकते हैं, विदाउट स्पीड गाइस इसको जो है मज़ा नहीं आएगा ठोकने में। तो भाई जो है देख सकते हो, और भाई इस टाइप से लग रही GT Mustang, है ना। तो भाई देखो इस टाइप से लग रही पूरी GT Mustang। और भाई वीडियो कितने मिनट की बन गई यार, वीडियो की तो गाइस मुझे याद ही नहीं है कुछ भी भाई कि क्या हुआ वीडियो का कहेंगे। तो कोई नहीं यार जल्दी जल्दी भगा रहे गाड़ी को अपन, और भाई बहुत ज़्यादा स्पीड में जो है गाड़ी जा रही है अपनी। और गाइस जो अब ठोकने वाला हूँ भाई, अब कहाँ ठोकेगा इस कमेंट कर देना ठीक है। तो जो है आपके कमेंट से पहले जो है मैं ठोक दूंगा। बाकी गाइस आज की वीडियो में पूरे भाई मैंने जो है 100 लाइक का जो टारगेट रखा है तो आपको 100 लाइक पूरी करवाना ही करवाना है ना। तो आज की वीडियो में जो है गाइस 100 लाइक तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो भाई जो है 15 लाइक ठीक है 50 लाइक का जो आज की वीडियो में टारगेट है। जो जो भाई ने लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को वॉच कर रहा है तो भाई जाके जल्दी से लाइक कर दो ठीक है भाई। 50 लाइक का टारगेट है आपको, टारगेट जो है पूरा करना है, 50 लाइक जो है आपको पूरी करवानी है। मिल गए हम पहुंच चुके हैं, तो गाइस मुझे मिल तो वैसे आना नहीं था इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और भाई जो है गाड़ी की अगर भाई डैमेज की बात करें तो गाइस डैमेज तो अच्छा खासा पड़ा है बट उतना ज़्यादा खास भी नहीं पड़ा है यार, क्योंकि एक साइड से पिचकी बस गाइड गाड़ी ठीक है। तो भाई जो है इसको फुल तरीके से पिचकाएंगे कब भाई, जब गाइस अपनी जो है ये ओपन वर्ल्ड मैप में आ जाएगी तब पिचकाएंगे इसको भाई मशीन पर नीचे ले जाके, है ना। और भाई जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती है गाड़ी, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कभी कभी। तो भाई अब जो सामने वाले घर से ठोकेंगे और उसी के साथ साथ में वीडियो की एंडिंग भी करेंगे। 50 लाइक का टारगेट है, 50 लाइक का ठीक है, 50 लाइक आपको जो है करवानी ही करवानी है, 50 लाइक जो है ज़रूरी है। और भाई जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से मैंने जो है गाड़ी को ठोक दिया है भाई, देखते क्या डैमेज पड़ा है भाई साहब, खतरनाक डैमेज है देखो, बहुत ज़्यादा खतरनाक डैमेज मिला है। बाकी ऊपर साइड वाइड कहीं से कुछ नहीं है, तो भाई गाड़ी के अच्छे लुक के साथ में ही जो है काम की शुरुआत करनी चाहिए, इसलिए जो है वीडियो की एंडिंग करते हैं अच्छे लुक के साथ में एकदम फ्रेश लुक। और भाई गाड़ी का लुक देख सकते हैं कुछ इस टाइप का। आई होप आज की जो वीडियो है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय।